प्रातः स्मरणीय संत सम्राट सदगुरु कबीर मंचासीन संत महापुरुषों, सत्संग समारोह में उपस्थित देवियों, बुद्धिजीवियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, सदगुरु कबीर तमाम दुनिया के लोगों से उसका परिचय पूछना चाहते हैं। कौन तुम्हारी जाति है, क्या है तुम्हारा नाम, कौन तुम्हारा इष्ट है, कहाँ तुम्हारा ग्राम। पूछते हैं तुम्हारी जाति क्या है और तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे इष्ट कौन है, क्या हम ब्राह्मण हैं, क्या क्षत्रिय हैं, क्या वैश्य हैं, शूद्र हैं, क्या हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, यहूदी हैं, क्या हम छूत हैं, अछूत हैं, अवर्ण हैं, सवर्ण हैं, नीच हैं, ऊंच हैं, क्या हम बैकवार्ड हैं, फॉरवार्ड हैं, क्या हम गोरा और काला हैं, क्या हम विद्वान और मूर्ख हैं, क्या हम धनी और निर्धन हैं, क्या हम औरत और मर्द हैं, क्या हम हाथ और पैर हैं, क्या हम मुंह नाक कान हैं, क्या हम पेट और पीठ हैं, कुछ नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध चेतन जीव आत्मा हूं और कर्मानुसार माँ के गर्भ में जाकर 9 महीना रहकर और ये शरीर साधन लेके मैं बाहर आया हूं। जाति हमारी आत्मा, जीव हमारा नाम, ज्ञान हमारा इष्ट है, गगन हमारा ग्राम। बंधुओं, अब खाना जाना, पीना जाना, रोना जाना, हंसना जाना, अपना जाना, पराया जाना, रुपया जाना, पैसा जाना, घर जाना, द्वार जाना, जिला जाना, थाना जाना, देश जाना, विदेश जाना, और ये सब जाना तो क्या जाना, जब अपने आप को नहीं जाना। Who are you and who am I? अपने बारे में कोई पता ठिकान है? आप कौन है? क्या आप शरीर हैं? अगर आप शरीर हैं तो शरीर को शरीर एक दिन मुर्दा कैसे हो जाता है? आप शरीर में रहने वाले हैं, आप गाड़ी नहीं है, आप चालक हैं। आप नाव नहीं है, आप नाविक हैं। आप घर नहीं है, आप घर भैया हैं। आप चुंदरी नहीं है, आप चुंदरी के बीच में रहने वाली सुंदरी है। जब तक आप इस काया के अंदर हैं, जब तक हम इस काया के अंदर हैं, तभी तक ये आंखें दुनिया को देख रही है, कान दुनिया की बातों को सुन रहा है, नाक सुगंध दुर्गंध ले रहा है, मुंह बोल रहा है, खा रहा है, त्वचा स्पर्श कर रहा है। जिस दिन मैं निकल जाऊंगा, आंख की क्रिया बंद हो जाएगी, कान की क्रिया बंद हो जाएगा, नाक का क्रिया बंद हो जाएगा, मुंह का क्रिया बंद हो जाएगा और त्वचा का क्रिया बंद हो जाएगा और ये शरीर डेड बॉडी होगा और श्मशान में जाके जल के राख। वही तो मैं हूं। लेकिन आज तक अपने आप से परिचय मनुष्य को
नहीं, 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 नहीं। बंधुओं, आपसे कोई पूछता है, राम सलाम हो गया, कहा भाई साहब क्या हाल चाल है, तो आप कहते हैं क्या कहें, आज मेरी बुद्धि, आज मेरी बुद्धि तर्क नहीं कर रही है। इससे स्पष्ट होता है कि आप अलग हैं और आपकी बुद्धि अलग है, आप बुद्धि नहीं है। जैसे आपसे कोई पूछे कि क्या हाल है, तो आप कहते हैं आज मेरी पत्नी बीमार है। स्पष्ट हो गया आप अलग हैं और आपकी पत्नी अलग है, आप ठीक हैं, आपकी पत्नी बीमार है। वैसे आप कहते हैं आज मेरी बुद्धि तर्क नहीं कर रही है, स्पष्ट है आप अलग हैं और आपकी बुद्धि अलग है, आप बुद्धि भी नहीं है। लोग पूछता है क्या हाल चाल है, तो आप कहते हैं आज मेरा मन ठीक नहीं है, आप मन भी नहीं है, मन से भी आप अलग हैं, आप ठीक हैं, आपका मन ठीक नहीं है। फिर लोग पूछता है क्या हाल है, तो आप कहते हैं आज मेरी बुद्धि तर्क नहीं कर रही है, क्या हाल है, तो आप कहते हैं आज मेरे माथे में दर्द है, आप अलग हैं, आपका माथा अलग है, आप में कोई दर्द नहीं है, आपके माथे में दर्द है, क्या हाल है, तो आप कहते हैं मेरे पेट में दर्द है, आप पेट भी नहीं है, ये शरीर बिल्कुल अलग है। गोस्वामी जी रामायण में लिख दिए प्रकृति पार, प्रकृति से पार, प्रकृति से शरीर बना है, इससे बिल्कुल अलग वो आत्मा है, आत्मा ने केवल इसको सत्ता दिया है अपना। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी, कि तत्व प्रकृति से परे ही आत्मा, लेकिन है सब घट में ब्रह्म निरीह, इसमें कोई अच्छा वासना नहीं है, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी, ये अविनाशी आत्मा हर घट में, गाय में, भैंस में, कुत्ता में, गीदर में, आदमी में, सब में है। इसी गांव में, इसी शोभा छपरा में, किसी का घर पांच महल का आता है, कोई तीन महल के, कोई दो महल के, कोई एक महल के, कोई एस्बेस्टस है, कोई टीन के चदरा है, कोई खपरा है, कोई फूस है। फूस में रहने वाला कौन है, बैल की आदमी, फूस में कौन रहता है, बोलिए, फूस के घर में कौन रहता है, नहीं बोल रहे हैं, क्या बात है, अरे फूस के घर में के रहता है आदमी, तो बोल नहीं रहे, पक्का में के रहता है आदमी, खपरा में कौन रहता है आदमी, टीन के चदरा में रहता है आदमी, हर घर जिसके पास जितना पूंजी है वैसा मकान बनाया है और उसी मकान में जाके रहता है। ठीक उसी प्रकार से इस जीव का जितना पूंजी था वैसा मकान इसका भी बन गया है। हर घट में मकान चाहे चीटी के जैसा हो, मकान चाहे विशाल हाथी के जैसा हो, मकान चाहे कुत्ता के जैसा हो, मकान चाहे गीदर के जैसा हो, मकान चाहे औरत के जैसा हो, मकान चाहे मर्द के जैसा हो, मकान चाहे सांप के जैसा हो, मकान चाहे बिल्ली के जैसा हो, लेकिन हर घर में रहने वाला वही आत्मा इंसान, हर घट में वही रह रहा है। बंधुओं, इस पर थोड़ा विचार किया जाए, जब आप चेतन जीव आत्मा हैं, सब घट में वही बैठा हुआ है, तो फिर उसको आप मार के कैसे खाते हैं। एक मौलवी से मैंने पूछा कि दूसरे का मांस खा के मांस बढ़ाए हो, अगर आपके शरीर का मांस खाना कोई पसंद करे तो क्या करोगे, दोगे,
कोई देगा? आधा किलो मांस काट करके कोई इंसान देगा किसी को खाने के लिए? जब अपना मांस देना आप नहीं चाहते हैं तो दूसरे का मांस खाने का हक कैसे प्राप्त करते हैं? साहब कबीर कहते हैं, जो जानहु जीव अपना करहु जीव को सार, और जियरा ऐसा पाहुं ना मिले न दूजी बार। आपको अपना प्राण कितना प्यारा है, अगर कोई आप पर बंदूक तान दे, आप पर लाठी भाला फरसा रिवाल्वर चलाना चाहे, तो आप उसका पैर पकड़ लेते हैं, दाढ़ी पकड़ते हैं, माफ कर दीजिए। आप जो कहिएगा सो हम कर देंगे, जो जमीन मांगिएगा वो रजिस्ट्री कर देंगे, जितना रुपया चाहिए उतना रुपया हम आपको देंगे, हमारा प्राण बचा दीजिए। कितना प्यारा आपका प्राण है, उसी तरह प्यारा दुनिया में जितने जीव हैं सबका प्राण उसी तरह प्यारा है। जिसको आप काट के खाते हैं, जिसको मार के खाते हैं। साहब कबीर कहते हैं, मौलाना सुनो कुरान की बात रे, मौलाना सुनो रे कुरान की बात, जिस बकरी के दूध पिया तुम सो है मातू के नाते, उस बकरी के गला कटावे अपने हाथ छुराते रे, मौलाना सुनो रे कुरान की बात, कर्म तो कियो कसाई के बंदे पाक कियो कलमा ते, कलमा पढ़ के जब करता है हमर न दोष पोसवैया के दोष। कर्म तो कियो कसाई के बंदे पाक कियो कलमा ते, यह रीति उल्टी कौन सिखाई अहमक नहीं लजाते रे, मौलाना सुनो रे कुरान की बात। कहते हो एक अल्लाह है, इफ वी वांट टू गिव गुड लव टू योर गॉड देन वी शुड लव द ऑल क्रिएचर व्हिच इज द क्रिएटेड बाय गॉड। अगर कहते हो अल्लाह एक है तो सारा दुनिया का जीव जंतु उसी का बेटा और बेटी उसी का संतान। किसी के बेटा को मार दीजिएगा बाप दोस्ती करेगा? उसका बाप आपसे दोस्ती करेगा, मोहब्बत करेगा क्या? एक मालिक का सकल जीव है कीट पतंग जहां ते, दूजा कहो कहां से आया जिस पर आप गुसाते रे, मौलाना सुनो रे कुरान की बात। कहीं कबीर सुनो भाई साधो यह पद है निर्माते, एक तनिक जिभ्या के कारण आप नरक में जाते रे, मौलाना सुनो रे कुरान की बात। बंधु दीन में रखते हो रोजा, अभी रोजा चल रहा, प्राण छूट जाएगा लेकिन पानी नहीं पिएगा, भोजन नहीं करेगा भर दिन। साहब कबीर कहे, दीन में रखते हो रोजा रात हनत हो गाय, यह खून वह बंदगी कसकर फूस खुदा। दिन भर पानी नहीं पीते हो मौलवी, अन्न नहीं खाते हो, और जो सूर्यास्त हुआ तो कोई मुर्गी काटते हो, कोई बकरी काटते हो, कोई गाय काटते हो, कोई भैंस काटते हो, कोई ऊंट काटते हो, कोई दुम्मा काटते हो, एक तरफ खून की नदी बहाते हो और एक तरफ इबादत करते हो, क्या वो अल्लाह खुश हो जाएगा? खुश होगा? अपने प्राण के जैसे
जो जानो जीव आपना करो जीव को सार। तो इस आत्मा को सार समझो। तुलसीदास तुलसीदास वाज द लीडर ऑफ राम एंड सूरदास वाज द लीडर ऑफ कृष्ण बट सदगुरु कबीर वाज द लीडर ऑफ सोल। तुलसीदास जी सगुण ब्रह्म राम का वकालत करते हैं। आज भी लोग माटी के पत्थर के शीशा के अष्ट धातु के राम सिया बना के पूज रहे। सूरदास जी कृष्ण का वकालत करते हैं। आज भी लोग माटी के पत्थर के शीशा के अष्ट धातु के राधा कृष्ण बना के पूज रहे। बट सदगुरु कबीर वाज द लीडर ऑफ सोल। लेकिन साहेब कबीर ने इस आत्मा का वकालत किया है जो तीनों काल का दृष्टा है, जो तीनों काल में सत्य है, जिसमें तीनों काल में कोई परिवर्तन होने वाला। यही आत्मा, यही आत्मा पर सृष्टि टिकी है। पूरे पूरे विश्व की जनसंख्या 7.5 अरब या 8 अरब है और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई औरत मर्द मिला के अब पूरे पूरे सृष्टि में जितने मानव हैं सबके काया से ये आत्मा निकल जाए तो परमात्मा यहाँ बकरी चढ़ाएगा कि भेड़ी क्या करेगा? परमात्मा गाय चढ़ाएगा, रेलगाड़ी चलाएगा? बोलिए बोलिए, जिस परमात्मा के फेर में है वो परमात्मा रेलगाड़ी हाँक देगा, वो परमात्मा चावल गेहूं भेज देगा, वो परमात्मा इंदिरावास भेज देगा, वो परमात्मा कोर्ट में बैठ के न्याय करेगा, वो परमात्मा हॉस्पिटल में बैठ के इलाज करेगा, वो परमात्मा विद्यालय में बैठ के लड़का सबको पढ़ाएगा। अरे पॉजिटिव डिग्री, कंपरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, डिग्रियां तीन होती है और पोजीशन तीन है, गुड बेटर बेस्ट। गुड माने अच्छा, बेटर माने उससे अच्छा और बेस्ट माने सबसे अच्छा। आप मांस मछली तारी दारू गांजा भांग बीड़ी सिगरेट सब खा रहे थे और इसी तरह सत्संग चल रहा था, संत जी बोल रहे थे, ए दुनिया के लोग मांस खाना मछली खाना तारी दारू गांजा भांग बीड़ी सिगरेट ये पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अध्यात्म के विरुद्ध है, नहीं खाना चाहिए। आपने खाना छोड़ दिया, नफा हुआ कि नुकसान हुआ? नफा हुआ। जब खाना आपने छोड़ दिया तो आपको डिग्री मिल गई, अब आप हो गए पॉजिटिव डिग्री एंड गुड और प्राणी से अच्छे हो। अब आप हो गए, पहले थे पापात्मा, अब आप हो गए जीवात्मा। खाना छोड़ दिया और जीवात्मा है, गए सदगुरु के शरण में, कंठी माला लिया, दीक्षा लिया, चोरी दलाली बेईमानी हत्या बलात्कार सब छोड़ दिया और आपको फायदा हो गया, डिग्री आपकी और बढ़ गई। अब आप हो गए कंपरेटिव डिग्री एंड बेटर, उससे भी अच्छा, अब आप हो गए महात्मा। थे पापात्मा, सुधार किए तो जीवात्मा, उसमें सुधार किए तो हो गए महात्मा और महात्मा बनने के बाद निर्वैर, दुनिया से बैर करना बंद कर दिया तो निर्भय, निष्काम, निर्लोभ, निर्मोह, मन और मन की कल्पना, बुद्धि और बुद्धि की तर्कना, इंद्रिय और इंद्रिय की भोग वासना, चीत और चीत की चंचलता से जब आप ऊपर उठ गए, जब सारी आसक्तियां मिट गई, सारे पाप कर्म कट गए तो आपकी डिग्री बढ़ेगी और आप बनेंगे सुपरलेटिव डिग्री एंड बेस्ट, आप ही बनेंगे परमात्मा। परमात्मा होता नहीं है, परमात्मा हो जाता है। परमात्मा पाने की वस्तु नहीं है, परमात्मा समझने की वस्तु है। कलेक्टर की डिग्री उतरती है विद्यार्थी पर, कोई घसवाहा चरवाहा पर कलेक्टर कमिश्नर की डिग्री और आईजी डीआईजी की डिग्री, एसपी आईपीएस की डिग्री कोई घसवाहा चरवाहा हरवाहा पर नहीं उतरता, वो विद्यार्थी पर उतरता। आईएएस आईपीएस की डिग्री उतरती है विद्यार्थी पर और परमात्मा की डिग्री उतरती है आत्मा पर। यही आत्मा आज पापात्मा है, यही आत्मा आज दुष्ट आत्मा है, यही आत्मा आज धर्मात्मा है, यही आत्मा आज महात्मा है और यही आत्मा जब सब पाप कर्म कटेंगे तो यही आत्मा परमात्मा है। लेकिन लोग
जहां ज्ञान नहीं है वो परमात्मा के खोज में लगे, परमात्मा के डिबिया बार के लोग खोज रहा है। किसको किसको मिला जरा हाथ उठाइए तो, परमात्मा किनको किनको मिला आज तक, कहीं मिला है? रोजगारे झूठ है तो इन पूंजी बचेगा कहां से? झूठा रोजगार कीजिएगा तो पूंजी बचेगा। साहब कबीर कहते हैं नरको नाही प्रतीत हमारी, कि हमारे ऊपर किसी का भरोसा नहीं, मेरे ऊपर किसी का विश्वास नहीं, मेरे ऊपर किसी का प्रतीत नहीं। झूठा बनिज कियो झूठे संग, पूंजी समन मिलिहारी। सब लोग झूठा रोजगार ठेका है कहां, झूठा पंडित जी के साथ। अब एको दिन निम्मन बात पंडित जी वाजिब बात नहीं बताए, सब दिन गड़बड़े है इनका। अब उसके साथ रोजगार है तो रोजगार में पूंजी बचेगा कि डूबेगा? ये रोजगार में पूंजियों ऊपर होगा झूठा रोजगार में। माय बाप मर गए तो पंडित जी कहलन जे माय के सूतेला पलंग दान करियो, ये सच्चा रोजगार है? ये झूठा रोजगार है, केवल झूठा रोजगार। पूंजी कैसे बचेगा? साहब कबीर कहते हैं खट दर्शन मिली पंथ चलायो, तिरदेवा अधिकारी। छो दर्शन का यहाँ पंथ है, जोगी जंगम सेवरा सन्यासी दरवेश और ब्राह्मण। गांव में कोई जोगी गोरखनाथ के चेला आ जाए, वो एक रंगा के पहने का अचला कुर्ता गमछा, दाढ़ी भी बढ़ाता है मोच झोटा, एक सरंगी रखता है और आपसे गुदरी मांगे। महिला सब कहती है देखिए कितना निर्मोह साधु है, पैसा नहीं लेता है, अन्न नहीं मांगता है, गुदरी फाटल मांगता है। आपको पता है जरा टेरिकोटेन वाला गुदरी दे के देख लीजिए, लेगा? वो सूती लेता है। दस गो गुदरी हो गया तो पचास नहीं 500 रुपया हो गया, आ गैरेज वाला सब गुदरी खरीद लेगा। आपको बुझाता है निर्मोह साधु है, अब 500 रुपया उसका बन गया। अब शाम में क्या करेगा, 500 रुपया बना लिया, अब मछली भात बना के खा के अपना सो गया, दारू पी लिया। जोगी जंगम, और जंगम जो अघोरी रहता है जंगल में, वो काला के कपड़ा पहनेगा, दाढ़ी झोटा उसका भी बड़ा बड़ा रहता है, पूरे गर्दन में रुद्राक्ष पहनेगा, हड्डी तेलिया मसान टांग के रखेगा, खोपड़ी वाला हड्डी रखेगा, पूरा दारू पिएगा, मांस मछली खाएगा। अगर गांव में आ गया तो आपके हाथ पर मिट्टी देगा, कहेगा जरा सुनिए तो गुलाब के फूल के जैसा। लोग महिला पुरुष उसको अच्छा कहते हैं, देखिए ये साधु है, कितना साल पढ़ाया है। सेवरा कहते हैं जैनी लोग, जोगी जंगम सेवरा, सेवरा है जैनी लोग। जैनी लोग नंगे रहते हैं सालों भर, वो नाखून नहीं काटते हैं, केसदारी नहीं काटते हैं, वो स्नान भी नहीं करते हैं, पैखाना करते हैं तो साफ नहीं करते हैं, मुंह भी नहीं धोते हैं, 24 घंटा में एक बार भोजन करते हैं और एक ही बार पानी पीते हैं। उनका कहना है औरत को मुक्ति होगा ही नहीं, नारी की मुक्ति नहीं होगी। अगर वो नंगा आ जाए गांव में तब तो महिला पुरुष कहेंगे देख लीजिए कितना निर्मोह है कि ये कपड़ा भी नहीं पहन पाए, ये कैसा साधु है पहुंचा हुआ, ये कपड़ा भी नहीं पहन पाए। उनकी विशेषता है समाज में, जोगी जंगम सेवरा सन्यासी। और आप लोगों की इधर हो हमारे बिहार में सन्यासी जाति के लोग बहुत हैं, और वो अपने को महादेव जी का जाति कहते हैं, कहते हैं ब्राह्मण गुरु सन्यासी और सन्यासी गुरु अविनाशी। कहते हैं सारे भूमिहार ब्राह्मण का गुरु हम लोग हैं और हमारे गुरु एक बेर महादेव जी है, दूसरा कोई नहीं। वो लोग भी दाढ़ी झोटा बढ़ाते हैं, चंदन फटाका खूब करते हैं, इतना चौड़ा चंदन करते हैं जब भैंसी देखे तब भरत है। वो भी अचला को पिन पहनते हैं, कमंडल रखते हैं, अब पूरे परिवार रहते हैं घर में, खेती बाड़ी कर लिए, और जब सब सी से छुट्टी मिल गया तो भेष बनाए, कुछ कर्जा 5-4 रुपया लिए और निकल गए ठगैती में।
ठागू करके साल छह महीना में आए घर पर आए और खूब दारू मछली तारी कर लिए और फिर जब पैसा घट गया तो फिर कर्जा पैसा लेके चले गए अपना मांग मांग। वो अगर समाज में आ जाए तो उसकी प्रतिष्ठा है, लोग कहते हैं ये साधु है। जोगी जंगम सेवरा सन्यासी दरवेश, दरवेश कहते हैं मुसलमान के फकीर को। फकीर के हाथ में भी कमंडल रहता है, वो भी अचला पहनता है, वो भी दाढ़ी झोटा बढ़ा के रखता है, वो भी मुसलमान के तकरीर कराता है, लेकिन खाता क्या है? गाय के मांस और भात, भैंस के मांस और भात। उसकी विशेषता है समाज में। जोगी जंगम सेवरा सन्यासी दरवेश और छठा है ब्राह्मण। आपके यूपी का क्या दशा है हम नहीं कहेंगे, लेकिन बिहार के ब्राह्मण के बेटी के अगर ब्याह है और 10 गो बकरा नहीं कटाया तो ब्राह्मण नहीं गिना जाएगा। मछली नहीं आई तो उसका बेटी का विवाह नहीं होगा। बेटा के ब्याह में अगर रोहू मछली के डाला नहीं गया तो बरियात वापस आएगा, उसको ब्राह्मण कहा गया। बंधुओं, इस पर जरा विचार किया जाए, वास्तविकता है क्या? कहां से मेरा कल्याण होने वाला है? ये खट दर्शन मिली पंथ चलायो तिरदेवा अधिकारी, और इसके अधिकारी है तिरदेवा क्या? काम क्रोध लोभ, ये अधिकारी है, इसी की पूजा चल रही है, इसी तीनों की महत्व है आपके जीवन में। बंधुओं, अपने आप को जाना जाए, अपने आप को पहचाना जाए, कहां से हमारा कल्याण होने वाला है, कौन हमारा कल्याण करेगा? बीड़ी पीने वाला करेगा कि खैनी खाने वाला, कि दारू पीने वाला, कि तारी पीने वाला, कि भांग खाने वाला, कि झूठ बोलने वाला, कि दलाली खाने वाला, कि घूस खाने वाला? कहां से आपका कल्याण होगा? पहले तो आप अपने आप को जानिए। जिस दिन आप अपने आप को जान जाएंगे कि मैं कौन हूं, साहब कबीर कहते हैं, डगरिया भूल गई कहीं विधि घर को जाओ, डगरिया भूल गई। आए थे किस घर से और जाना फिर नहीं है अपने घर। अपने घर में सुख होता है, पराए घर में दुख होता है। जेल भी एक घर है जहां दुख होता है, और अपना घर आपका है, वहां आप स्वतंत्र हैं, जो खाना है खाइए, जहां जाना है वहां जाइए। लेकिन आप ही जब जेल में चले जाएंगे तो आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। आप जो चाहेंगे वो भोजन नहीं मिलेगा, और जहां जाना चाहेंगे आप नहीं जा पाएंगे। तो अपने घर में सुख है, अपना घर नहीं चलना है क्या? साहब कबीर कहते हैं, अरे पंथ चलत के ते दिन बीते ढूंढय अनेकन भाव, पंथ चलत केते दिन बीते ढूंढय अनेकन भाव, नाना कर्म करत मन हारे जो मृग जल को धाओ। साहब कबीर कहते हैं, पंथ चलत केते दिन बीते गर्भ और आश्मशान, गर्भ और आश्मशान, यही तो मेरा पंथ बना हुआ है। हम अपने घर जा कहां रहे हैं? कर्मानुसार कभी गाय के गर्भ में जाते हैं, कभी भैंस के गर्भ में, कभी कुत्ता के गर्भ में, कभी गीदर के गर्भ में, कभी हाथी के गर्भ में, कभी घोड़ा के गर्भ में, और कभी कर्म सुधर गया तो मां के गर्भ में आता, और फिर आश्मशान जाते हैं। गर्भ में आते हैं और आश्मशान जाते हैं, यही दो जगह मेरा डगर बना।
कहा पंथ चलत के ते दिन बीते, अरे तुमको यहाँ आए हुए जुग बीत गया, अभी तक गर्भ श्मशान का चक्कर तू काट रहे हो, आ जा रहे हो, लेकिन अपने घर कहाँ जा रहे हो जहां से आए थे। पंथ चलत के ते दिन बीते, जुग बीत गया गर्भ श्मशान आते जाते, ढूंढ अनेकन भाव, और ये जीव रास्ता खोज रहा है, रमानंदी बने कि कबीर पंथी बने, कि आर समाज में जाए कि आनंद मार्ग में जाए कि गायत्री परिवार में जाए, कहां जाके कल्याण करे। ढूंढ अनेकन भाव, नाना कर्म करत मन हारे, नाना कर्म कुकर्म सुकर्म करते करते ये मन अंत में हार गया, और अंत में आंख से आंसू की धार बह रही है। नाना कर्म करत मन हारे, कैसे साहब कबीर ने उदाहरण दिया, जो आज मैट्रिक में पढ़ाई हो रही है, जिसे हम मृग तृष्णा कहते हैं, मरीचिका कहते हैं, हम लोग पढ़े थे मैट्रिक में मृग तृष्णा। जब जेठ के महीने में इतनी गर्मी पड़ती है, इतना धूप, सारे नदी नाला तालाब कुआं सब सूख जाता, कहीं चुटकी भर पानी नहीं, और जेठ की दोपहरी चिलचिलाती धूप, और जंगल से प्यासा मिर्गा पानी के तलाश में जब जंगल से निकलता है, जेठ की चिलचिलाती धूप में मिर्गा की दृष्टि जब बालू पर पड़ता है, रेगिस्तान पर, वो बालू जेठ के चिलचिलाती धूप में चकमक चकमक करने लगती है, उस चमकते हुए बालू पर जब मिर्गा की दृष्टि पड़ती है, तो मिर्गा को लगता ही तो समुंदरे है पूरा, जाता हूं पानी पी के वहां अपना प्राण बचा लूंगा। मिर्गा दौड़ के वहां से जाता है, वहां वहां गया तो क्या है, केवल बालू, पानी तो एक चुटकी नहीं। मिर्गा पश्चाताप करता है वहां जाकर, अब मैं क्या करूं, अपने प्राण की रक्षा मैं कैसे करूं। फिर मिर्गा अपने दृष्टि को आगे बढ़ाता है, आगे के चमकते हुए बालू पर फिर मिर्गा की दृष्टि जाती है, सोचता है वहां शायद पानी है, चमक रहा है, जाता हूं प्राण बचाऊंगा। मिर्गा दौड़ के वहां गया, वहां भी केवल बालू है, अंत में मिर्गा अपना प्राण वहीं गमा देता। ठीक वही हालत मानव की है, ये सारा जिंदगी सतुआ चूरा पूरी ठगुआ खजूर लेकर और उस परमात्मा के खोज में चारों तरफ का चक्कर काट रहा है, वहां वाला भगवान अधिक शक्तिशाली है, वहां वाला भगवान अधिक शक्तिशाली है, उससे कुछ मांगेंगे, उससे कुछ मांगेंगे, मांगते मांगते अंत में आंख से आंसू का धार बहाकर दुनिया से चले। साहब कबीर पूरे दुनिया के लोग को तेली का बैल कर दिया, कहा खसम बिनु तेली के बैल भयो रे, खसम बिनु तेली के बैल भयो। पहले आपके यहां हो ना, हमारे बिहार में तेली लोग कोल्हू रखते थे, और कोल्हू में तेल की पेराई होती थी, और उस कोल्हू में एक बैल चलता था, उस बैल के चलने के क्रम में तेल की पेराई होती थी, वो बैल केंद्र में चलता था कि परिधि में, केंद्र में सुख होता है और परिधि में दुख होता है, बैल परिधि का चक्कर काटा, धूर भर में 50 कोस का रनिंग मारा है बैल, वो बैल को सुख मिला कि दुख, क्या मिला, दुख मिला, तेल गिर रहा है केंद्र में और बैल चल रहा है परिधि में, परमात्मा बैठा है केंद्र में, आज सारा दुनिया के औरत मर्द सतुआ चूरा पूरी ठगुआ खजूर लेके और जीवन भर परिधि का चक्कर काट रहा है। भगवान मिलेंगे वैष्णो देवी में, भगवान मिलेंगे अमरनाथ में, भगवान मिलेंगे हरिहरनाथ में, भगवान मिलेंगे पशुपतिनाथ में,
भगवान मिलेंगे वृंदावन में, भगवान मिलेंगे अयोध्या में। चक्कर, न खाने का ठिकाना, न सोने का ठिकाना, न भोजन करने का ठिकाना, न कपड़ा धोने का ठिकाना, न पैखाना पेशाब जाने का ठिकाना। ये परिधि के चक्कर काट रहे, पूरा जीवन भगवान के कुल में। कहीं है भगवान, मिल जाएगा? मिला किसी को आज तक? किसी को नहीं मिला, अच्छा भर में मिलेगा। एकदम साहब कबीर कहे, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, पल एक पल की तलाश में, मोको कहां ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास। न मैं गंगा, न मैं जमुना, न काशी कैलाश में, न मैं भृकुटी भवर गुफा में, सब श्वासन के श्वास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, पल एक पल के तलाश। आप परमात्मा हो सकते हैं, परमात्मा बनिए नहीं, परमात्मा हो जाइए। बन इतना शक्ति आपको सदगुरु कबीर देना चाहते हैं, परमात्मा का खोज बंद कर दो बेटा, परमात्मा हो जाओ। परमात्मा बनो नहीं, बनने वाला बिगड़ जाता है, परमात्मा हो जाओ। सदगुरु कबीर हो गए परमात्मा, बुद्ध हो गए परमात्मा, बन जाओ परमात्मा। सारी शक्ति आपके पास है, आप भला परमात्मा के खोज में लगे? इतना घटिया बात। बंधु, जरा इस पर विचार किया जाए, आप हैं कौन और आए कहां से और जाना कहां है? वो मिर्गा, वो मिर्गा बेचारा अंत में प्राण छोड़ देता है। आज मैट्रिक में पढ़ाई हो रही है मृग तृष्णा, दूसरे पद में साहब कबीर कहते हैं, अरे वेद पढ़ी पढ़ी पंडित हारे, चतुर न पावहिं ठाउ, जहि पूछो सो नाम बतावे, जहि पूछो सो नाम बतावे, नाही दिखावेगा। संस्कृत में इतना मंत्र पढ़े हैं, गायत्री मंत्र, वेद का मंत्र पढ़े, याद वाद है कुछ? मंत्र पढ़े श्राद्ध में, विवाह में, जनऊ में, याद है कुछ? कुछ नहीं याद। वेद पढ़ी पढ़ी पंडित हारे, चतुर न पावहिं ठाउ, इनके अंदर तो चालाकी है, पैसा कमाने का धंधा है, पैसा कमाने का धंधा है वेद। उसे मुक्ति की कोई सवाल नहीं है, उसे कल्याण का कोई लेना देना नहीं है। कहेंगे पंडित जी ओम पवित्रो स्वाहा, 151 रुपया यहां रखो, वो तो पैसा कमाने का रोजगार है, वो तो चालाकी है, चतुराई है, उससे मुक्ति कैसे होगी? साहब कबीर कहते हैं, जय ही पूछो सो नाम बतावे। आज पूरा होड़ चल रहा है नाम का, नाम दान लीजिए ना। हमारे कबीर पंथ में भी नाम दान की चर्चा चल रही है, नाम दान लीजिए, नाम दान लीजिए, और स्वर्ग चलिए, सतलोक चलिए, बैकुंठ चलिए। बिना नाम दान के बैकुंठ नहीं होगा। एक वंश गादी वालों से हम पूछे, अगर नाम से मुक्ति, अगर नाम के बिना मुक्ति नहीं होगी, बंधुओं चारों तरफ नाम की चर्चा चल रही है मुक्ति के लिए। और साहब कबीर कहते हैं, नरतु पार उतर कहां जई हो, आगे पंथी पंथ ना कोई, कूच मकान न पई हो, कहें कबीर सुनो भाई साधो, जहां के पौध तहां ठहरई।
साहब कबीर कहे जाना भी कहीं नहीं, कहीं स्वर्ग नर्क भी रखा हुआ नहीं है। जहां जाना है ना आगे कोई राही है ना आगे कोई रास्ता है, जाना कहां। बंधुओं इस पर थोड़ा विचार करें, हमको जाना कहां है। साहब कबीर कहते हैं मंत्र जपते जपते क्या मंत्र हम जाप करें। मंत्र में भी तो विभिन्नता है, कोई कुछ बता रहा है कोई कुछ बता रहा है, कोई सीता राम बता रहा है कोई राधे श्याम, कोई ओम बता रहा है कोई सतनाम बता रहा है, कोई जय हनुमान कह रहा है कोई अल्लाह अकबर कह रहा है कोई सतनाम वाहिगुरु कह रहा है। मंत्र में भी तो एकता नहीं है कि किस मंत्र को जाप करके हम अपना कल्याण कर सके। कहते हैं जही पूछो सो नाम बतावे ना ही दिखावे गांव। अगर किसी व्यक्ति का नाम आपको मालूम है, इसी गांव में किसी व्यक्ति का नाम आप जानते हैं लेकिन शोभा छपरा आपको पता नहीं है और न बलिया जिला आप जानते हैं, न बलिया जिला के बारे में आपको जानकारी है और न ग्राम शोभा छपरा के बारे में जानकारी है, केवल उस व्यक्ति का नाम आप जानते हैं। तो नाम से आप चले आइएगा, नाम से मुजफ्फरपुर से यहां व्यक्ति मिल जाएंगे नाम के द्वारा। छपरा में पूछिएगा वो नाम कोई बता देगा। छपरा में तो आपको कहना होगा कि हम बलिया जाएंगे, अब उसमें भी शोभा छपरा जाना है तो वो आदमी बताएगा ऐसे ऐसे रास्ते से आप जाइए और शोभा छपरा आने के बाद तब उस व्यक्ति का नाम आप बताएंगे, तब वो व्यक्ति आपको बताएगा कि वही घर है फलाने बाबू का, जाइए भेंट कर लीजिए। अब वहां गए तो नाम के द्वारा उनके स्वरूप से आपको भेंट हो गया। साहब कबीर कहते हैं नाम मिलावे रूप को जो जन खोजी होए, आ जब वह रूप हृदय में बसे तो छुधा रहे नहीं कोई। नाम के द्वारा रूप से दर्शन होता है, रूप मिल जाता है। इतना दिन नाम का जाप किए भगवान का तो भगवान मिल गए क्या? मिले नाम का जाप किए मिले, नाम के द्वारा रूप मिलता है। नाम का जाप किए तो रूप मिला क्या? नहीं मिला। आज तक बंधु भजन भक्ति करने में भी त्रुटि है गड़बड़ी है, हम विश्वास का डगर पकड़े हैं, विचार का डगर छोड़ दिए हैं, हम अनुमान का डगर पकड़े हैं, अनुभव का डगर छोड़ दिए हैं, हम मानने का डगर पकड़े हैं, हम जानने का डगर छोड़ दिए हैं, हम अंधश्रद्धा का डगर पकड़े हैं और शंका का डगर मैंने छोड़ दिया। हमारा विद्वान लिखा है आई कीप सिक्स ऑनेस्ट सर्विंग मैन दे टॉट मी ऑल आई नो, मैं कुछ नहीं जानता हूं और अपने पास छह कर्तव्य परायण ईमानदार व्यक्ति को रखता हूं, जो कुछ भी मैंने सीखा है इन्होंने ही सिखाया है और इनके नाम है देयर नेम्स आर व्हाट व्हाई हू व्हेन व्हेयर एंड हाउ, इनके नाम है क्या कौन कहां क्यों कब और कैसे। ये आपके दिल में अगर आ जाए तो आपके जीवन की गाड़ी गंतव्य पर पहुंचेगी, लेकिन अगर आपके अंदर विश्वास किसी बात पर जम गया है, अनुमान लगाते रहे हैं, कभी अंत में कुछ मिलने वाला नहीं है। बस थोड़ी सी चर्चा मैंने किया, अब अपने वाणी पर मैं यही विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हेलो हेलो, बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। अभी हम लोग श्रद्धेय संत श्री रमाशंकर साहेब जी के बहुत ही मार्मिक विचारों से लाभ ले रहे थे। अब हमारे बीच परम पूज्य गुरुदेव जी मंचासीन हैं, हम लोग उनके विचारों को सुनेंगे,
उसके पूर्व एक भजन सुनते हैं और भजन रखने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं संत श्री उमेंद्र साहेब जी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने भजन से हम सबको लाभान्वित करें और ये कार्यक्रम 5:30 बजे तक चलेगा। आप सब लोगों को पता है कि आज भंडारा भी है और अन्य लोगों को जाना भी है, इसलिए मैं थोड़ा आधा घंटा पहले ये कार्यक्रम, क्योंकि संतों की पूजा आरती भी होनी है उसमें भी थोड़ा समय लगेगा, इसलिए आधा घंटा पहले 5:30 तक ये कार्यक्रम चलेगा। तो आइए हम भजन श्रवण करते हैं। बोलिए सद्गुरु देव की जय, सद्गुरु कबीर साहेब की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी वंदनी मुद मंगलमय संत समाज, भक्त प्रेमी सज्जनों एवं माताओं, साहेब जी के आज्ञा अनुसार आप सबके बीच एक भजन प्रस्तुत है। मैं बड़ा ही भाग्यवान हूँ इसलिए कि मैं इंसान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ। मैं बड़ा ही भाग्यवान हूँ इसलिए कि मैं इंसान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ। मैं जो सोच सकता हूँ जानवर नहीं, मैं जो बोल सकता हूँ जानवर नहीं, मैं जो सोच सकता हूँ जानवर नहीं, मैं जो बोल सकता हूँ जानवर नहीं, जानवर नहीं। प्राणियों में परखवान हूँ इसलिए कि मैं इंसान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ। मैं बड़ा ही भाग्यवान हूँ इसलिए कि मैं इंसान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ। आदमी यही तो है महान बन गया, सत्य आचरण से भगवान बन गया। आदमी यही तो है महान बन गया, सत्य आचरण से भगवान बन गया। भगवान वो बन गया सत, मैं विवेकवान हूँ सत, मैं विवेकवान हूँ इसलिए कि मैं इंसान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ। मैं बड़ा ही भाग्यवान हूँ इसलिए कि मैं इंसान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ। लेकर के मानव की कोख में जन्म, मानवता न तब है शरण। लेकर के मानव की कोख में जन्म, मानवता आए न तब है शरम, तब है शरम। मैं अनंत शांतिवान हूँ, मैं अनंत शांतिवान हूँ इसलिए कि मैं इंसान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ।
मैं बड़ा ही भाग्यवान हूँ इसलिए कि मैं इंसान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ। सतगुरु की राह से आसान हुआ है, जीवन का मेरे उत्थान हुआ है। सतगुरु की राह से आसान हुआ है, जीवन का मेरे उत्थान हुआ है। उत्थान हुआ है चंदु मैं कल्याणवान हूँ, चंदु मैं कल्याणवान हूँ इसलिए कि मैं इंसान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ। मैं बड़ा ही भाग्यवान हूँ इसलिए कि मैं इंसान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरु कबीर साहेब की जय। अब मैं परम पूज्य गुरुदेव जी से अपने तरफ से आप सबके तरफ से निवेदन करता हूं कि आप अपने कल्याणमयी विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। मुद मंगल में संतन महाराज धर्म प्रेमी सज्जनों श्रद्धा मूर्ति देवी अब आप थोड़ा कम करो छुट्टी है। अभी सुन रहे थे भजन मैं बड़ा भाग्यवान हूँ इसलिए कि मैं इंसान हूँ। इस दुनिया में जो कुछ भी कला कौशल ज्ञान विज्ञान मत पंथ संप्रदाय इन सब का विकास दिखाई पड़ रहा है, कौन है इनका विकास करने वाला? हमारे और आपके जैसा कोई इंसान। दुनिया में जितने भी मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा मठ आश्रम बने हैं कौन है बनाने वाला? हमारे और आपके जैसा कोई इंसान। ये जितने भी देवी देवता की मूर्ति है चित्र है छापने वाला बनाने वाला कौन है? हमारे और आपके जैसा इंसान। किसी भगवान ने आकर कहा है कि मैं महान हूं? उस भगवान की कल्पना करने वाला हमारे आपके जैसा कोई इंसान ही है। याद रखें पहले इंसान है तब भगवान है। लोग कहते हैं पहले भगवान है तब इंसान है, लेकिन हकीकत क्या है? पहले इंसान है तब भगवान है। चंद्रमा में हमारे वैज्ञानिक पहुंच गए हैं और वैज्ञानिक ये प्रयास में लगे हुए हैं कि हम चंद्रमा पर आदमियों की बस्ती बसाएं। चंद्रमा में वैज्ञानिक पहुंचे
वहाँ कोई मंदिर नहीं है, मस्जिद नहीं है, गिरजा गुरुद्वारा मठ आश्रम नहीं है, वहाँ कोई देवी देवता नहीं है, वहाँ कोई भगवान भगवती नहीं है। जिस दिन आदमी जाएगा ये सब पैदा कर लेगा। पहले इंसान तब भगवान। आदमी को भगवान की आवश्यकता होती है क्योंकि आदमी दुखी है। अपने प्रयत्न से, परिश्रम से आदमी जब दुख से छुटकारा नहीं पा सकता, नहीं पा पाता, तब कल्पना कर लेता है कि कोई आकाश में बैठा है। जब तक आदमी की अपनी शक्ति चलती है तब तक भगवान की आवश्यकता नहीं है। शक्ति के बाहर होती है तब भगवान की मर्जी, तब भगवान जाने वाली बात होती है। इसलिए आप कोई भी हो, अपने को कभी भी नीच अछूत कमजोर न समझे। हर व्यक्ति में महान शक्ति छिपी हुई है। आवश्यकता है उस शक्ति को पहचानने की और पहचान करके उसका उद्घाटन करने की। महाभारत के शांति पर्व में एक बड़ा सुंदर मंत्र आता है। दो पंक्तियां हैं और दोनों पंक्तियों में दो बातें कही गई है और दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, नाहम शब्दः प्रक्षपामि किंचित् दमं द्वारं य अमृतस्य वेद्मि गुह्यं ब्रह्म तदिदं ब्रवीमि न मानुषात् श्रेष्ठतरं हि किंचित्। पहली पंक्ति में वेदव्यास जी कहते हैं, नाहम शब्दः प्रक्षपामि किंचित्। इसका भावार्थ है कि लोगों ने मुझे गाली दी, किंतु बदले में मैं किसी को थोड़ी भी गाली नहीं देता हूं। हमें और आपको कोई गाली दे देता है, कटु कह देता है, अपशब्द कह देता है, हम बड़े दुखी हो जाते हैं और गुस्से में, क्रोध में आकर के लड़ने झगड़ने को, मारने पीटने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन वेदव्यास जी क्या कहते हैं, लोगों ने मुझे गाली दी किंतु मैं बदले में गाली नहीं देता। वेदव्यास जैसे महापुरुष को गाली मिली, और वेदव्यास ही क्यों, दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं सबको गाली मिली है, सबको सबकी निंदा हुई है। कबीर की निंदा हुई, कबीर को भला बुरा कहा गया, तुलसी को कहा गया, विवेकानंद को कहा गया, दयानंद को कहा गया, बुद्ध और महावीर को गाली दी गई, उनकी आलोचना की गई, निंदा की गई, राम और कृष्ण को भला बुरा कहा गया, हजरत मोहम्मद को भला बुरा कहा गया, विरोध किया गया, उसके हत्या के लिए षड्यंत्र किया गया, ईसा मसीह को भला बुरा कहा गया, क्रूस पर चढ़ा दिया गया, कौन बचा है? दुनिया में एक भी महापुरुष ऐसा नहीं हुआ है जिसकी बुराई ना हुई हो, जिनका लोगों ने विरोध ना किया हो। हमारे जैसे छोटे से आदमी को किसी ने भला बुरा कह दिया, किसी ने गाली दे दी, किसी ने बुराई कर दी, तो इतना दुखी होने की क्या आवश्यकता है? याद रखें, बार बार बात वहीं जाती है, हम जो भक्ति करते हैं, हम जो पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कथा कीर्तन करते हैं, सुनते हैं, धर्म के नाम पर हम जो कुछ करते हैं,
सबकी कसौटी क्या है। प्रतिकूलता पाकर, दुख पाकर, गाली निंदा अपमान पकर के उत्तेजित न होना, किंतु शांत रहना, धैर्य रखना, सहनशील बनना, ये पूजा पाठ धर्म आदि की कसौटी है। मेहनत पड़ेगी, किंतु बिना मेहनत के कौन काम सफल हुआ है? हर काम में मेहनत है। जितना सहनशील होंगे, जितना धैर्य रखेंगे, उतने ही हम धर्म और भक्ति और पूजा पाठ को समझ सकेंगे। ये किसी शास्त्र की बात नहीं है, किसी पोथी पुराण की बात नहीं है, बात है हमारे और आपके जीवन की। सारे शास्त्र एक और रख दो, ठीक है, आप शास्त्र पढ़ना चाहते हैं तो शास्त्र पढ़ें, लेकिन शास्त्र प्रमाण के बल पर हम चाहें कि सत्य को समझ लेंगे तो धोखा है, क्योंकि शास्त्र एक नहीं है, शास्त्र अनेक हैं। किस शास्त्र प्रमाण मानोगे? इसलिए करना क्या है? विवेक, विवेक को देना पड़ेगा। बात नहीं कर रहा था, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर उलझते रहे, किसी ने गाली दे दी, दुखी हो गए, इतने कमजोर, इतने कमजोर। एक बैल को गाली दो, बैल के सामने खड़े हो जाओ, एक गधा के सामने, घोड़ा के सामने, कुत्ता बिल्ली के सामने, ऊंट के सामने खड़े होकर के खूब उसकी बुराई करो, खूब गाली दो, मस्त घास, जानवर घास खाते रहेंगे, जुगाली करते रहेंगे और आपको मालूम, आपको मालूम, मजाक उड़ा लेंगे। और हम अपने को बुद्धिमान मानते हैं, समझदार मानते हैं, बड़े भगत, धार्मिक पुजारी, पता नहीं क्या क्या मानते हैं, थोड़ी सी गाली सुन करके इतना दुखी, इतना दुखी। एक बैल से भी गए बीते, एक गधा से भी गए बीते, किस बात का अहंकार, किस लिए महान है? ये भक्ति कसौटी क्या है आपकी? ये पूजा पाठ और धर्म की कसौटी क्या है? साधु महात्मा होने की कसौटी क्या है? गंगा नहाने की कसौटी क्या है? यदि सहनशीलता नहीं बढ़ी, धैर्य नहीं बढ़ा, भीतर की उत्तेजना शांत नहीं हुई, भीतर की गर्मी शांत नहीं हुई, तो क्यों कर रहे हो सब दिखावा? नखरा बनाए राम ना मिले हैं कहा गया, ये नखरा बनाते हैं हम लोग, नखरेबाज हो चुके हैं, ये नखरा काम नहीं आएगा। पहली बात तो ये कि स्वयं किसी को गाली मत दो। गाली सिर्फ हमारी असभ्यता और मूर्खता की पहचान होती है। हमारे भीतर जितनी मूर्खता होगी और जितनी असभ्यता होगी, उतनी जबान से गाली निकलेगी। कोई हमें मूर्ख और असभ्य कह दे तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं, उन्होंने मुझे मूर्ख कह दिया, मुझे असभ्य कह दिया, मैं इतना पढ़ा लिखा, इतना विद्वान, इतना भजन भक्ति करने वाला, इतना बड़ा पुजारी धार्मिक, इतना बड़ा साधु, उन्होंने मुझे मूर्ख कह दिया, उन्होंने मुझे असभ्य कह दिया, बड़े दुखी हो गए। लेकिन सोचो जरा, यदि भीतर मूर्खता नहीं है, असभ्यता नहीं है, तो जबान से गाली कैसे निकल रही है? जो सचमुच का ज्ञानी होगा, जो सचमुच में सभ्य होगा, उसकी जबान से किसी के लिए गाली नहीं निकलेगी। दूसरा कोई गाली देता है तो देने दो, किंतु हम गाली ना दे, बात बात में गाली, बात बात में गाली,
घर में ही गाली, कितने ऐसे लोग होते हैं घर के लोगों से ही गाली दे करके बात करते हैं, इतनी भी अकल नहीं है। आप गाली दोगे आपका बेटा गाली सीखेगा, ये समझ लेना होगा। हर बच्चे की हम सब कभी न कभी बच्चे तो रहे हैं, हर बच्चे की पहली पाठशाला माँ की गोद और पहला शिक्षक पहला गुरु माँ होती है, फिर पिता, फिर दादा दादी नाना नानी परिवार के लोग। घर आपका घर पाठशाला है, बचपन में क्या सिखा रहे हो अपने बच्चों को, कैसी सीख दे रहे हो। कम से कम अपने घर के वातावरण को तो चार साल पांच साल तक बच्चा घर में ही रहता है। माता पिता कैसे बोलते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे खाते पीते हैं, अपने से बड़ों से कैसे व्यवहार करता है, आपका बच्चा सीखता रहता है। और बचपन में जो सीख जाता है वो बुढ़ापे तक रह जाता है, जवानी में सीखा हुआ भूल जाएगा, बचपन में सीखा हुआ नहीं भूलता है जल्दी। इसलिए अपनी संतान से अपने बुढ़ापा में गाली नहीं सुनना चाहते हो तो अभी से गाली बकना, गाली किसी को गाली देना बंद कर दो। गाली भीतर की असहनशीलता, असभ्यता और मूर्खता की पहचान। ये शास्त्र की बात नहीं है, ये जीवन की बात है। वेदव्यास जी कहते हैं, नाहम सतप सभा में किंचित, लोगों ने मुझे गाली दी किंतु बदले में मैं थोड़ी भी गाली नहीं देता हूं। ये विजय है। गाली देने वाला बड़ा नहीं होता, गाली सुन करके शांत रह जाने वाला बड़ा होता है। कोई छोटा कहलाना पसंद नहीं करता, बड़ा कहलाना पसंद करता है, लेकिन जब गाली देते हैं हम किसी गाली दे रहे हैं तो छोटे हो जाते हैं, और हमारी गाली सुन करके कोई मुस्कुरा कर रह जाता है तो हमसे बड़ा हो जाता है। छोटे बने रहना चाहते, छोटे कहलाना चाहते हैं, बड़ा कहलाना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, सोच लेने की आवश्यकता है। तो वेदव्यास जी ने जब कहा कि मैं मुझे लोगों ने गाली दी किंतु मैं थोड़ी भी गाली नहीं देता, तो किसी ने पूछा, महाराज आप गाली क्यों नहीं देते, क्या गाली देना नहीं आता है, या कोई कमजोरी है आप में, क्या कारण है गाली नहीं देते आप। वे कहते हैं, दमम द्वारम या अमृषे वेदनि, क्योंकि मैं जानता हूं अपने मन को मार लेना, झुक जाना, सहन कर लेना अमृत के द्वार में प्रवेश करना है। हर आदमी अमृत चाहता, अमृत का नाम सुना हो, सबने सुना है। अमृत नाम सुनते ही आदमी के मन में एक लालच आ जाता, उत्कंठा हो जाती, कब अमृत मिले, हम भी खा ले या पी ले और अमर हो जाए, कितना स्वादिष्ट होगा अमृत। ऐसा अमृत केवल किताबों में लिखा है, कहीं है नहीं। सुना यह भी होगा, देवता और दैत्यों ने मिल करके समुद्र का मंथन किया, उसमें से 14 रत्न निकले, उन्हीं रत्नों में एक रत्न अमृत निकला और एक रत्न हलाहल जहर निकला। समुद्र में अमृत और जहर बनाने का कारखाना नहीं चल रहा, मशीन नहीं लगी है, वहां से समुद्र मथोगे तो अमृत निकल जाएगा। रूपक है ये, समुद्र को क्या मथोगे, कहानी है, रूपक है, ये समझ लो। हमारा जो हृदय है ये समुद्र है, दया क्षमा सत्य धीर विवेक विचार प्रेम समता शीलता सेवा भक्ति, ये अमृत है। ईर्षा द्वेष घृणा बैर विरोध लोभ लालच मोह ममता, ईर्षा राग द्वेष
विषय विकार ये जहर है, निकालना क्या चाहते, मत करके क्या निकाल रहे हैं? बाहर कहीं जहर तो मिलेगा, गांव गांव में जहर की दुकान खुल गई है, अमृत कहीं नहीं मिलने वाला है। अमृत हमारे और आपके भीतर है, संतोष अमृत है, दया अमृत है, क्षमा अमृत है, सत्य अमृत है, सहनशीलता अमृत है, विवेक अमृत है, मीठा व्यवहार अमृत है, प्रेम अमृत है और मीठी वाणी अमृत है। कुछ लोगों का स्वभाव होता है बहुत मुलायम बोलना, बड़ी मीठी वाणी बोलना, प्रेम से बोलना, उन्हें कभी गुस्सा आता ही नहीं है। लोग कहते भैया आदमी तो ऐसा बोलता है मानो उसके मुख से अमृत निकल रहा है। ये मीठी वाणी का अमृत हर स्त्री पुरुष के पास है, उम्र चाहे जिसकी जो भी हो। यहां वेद व्यास जी कहते हैं दमम द्वारम है अमृत सेवेद में, अपने मन को मार लेना, झुक जाना, अमृत के द्वार में प्रवेश करना है। थोड़ा सहना सीखिए, धैर्य रखना सीखिए, कहां तहां उलझोगे, किससे किससे उलझोगे, छोटी सी जिंदगी, इसका दीपक कब बुझ जाए पता नहीं चलेगा। उलझ उलझ करके, उबल उबल करके कब तक? साहब ने कहा है ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रही ला। साहब कहते हैं कि मैं देखता हूं कि अपनी अपनी आग में हर आदमी जल रहा है। आग भी क्या अपनी और पराई होती है? ये जो बाहर की आग होती है ये अपनी और पराई नहीं होती। ये बाहर की आग में तो कभी कभी कोई जल जाता है, लेकिन भीतर की आग में हर आदमी जल रहा है। और जो भीतर आग लगी है ये आग हर आदमी के लगी के अपनी बनाई है। ईर्ष्या की आग, द्वेष की आग, विरोध की आग, लोभ मोह की आग, विषय विकार की आग, क्रोध की आग, लोभ लालच की आग, ये कौन बनाता हमारे और आपके भीतर? हम बनाते हैं। और इसी आग को बुझाना, जो भीतर आग है ईर्ष्या द्वेष बैर विरोध लोभ लालच आदि की जो आग है, इसी आग को बुझाना धर्म का काम है। इसी आग को बुझाना पूजा और भक्ति का काम है। पूजा तो कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, धर्म का काम भी कर रहे हैं। ईर्ष्या कितनी दूर भी आग बुझी या नहीं बुझी, भीतर का शीतल हो जाना, जब तक मन शीतल नहीं होगा, अंतकरण शीतल नहीं होगा, कोई काम आने वाला नहीं। ना गुरु काम आएंगे, ना महात्मा काम आएंगे, ना भगवान काम आएंगे। गुरु और संतों का काम है, बड़े बुजुर्गों का काम केवल रास्ता बताना। हमारी भीतर की जो आग है इसे हमें बुझाना पड़ेगा। मेरे भीतर क्रोध की आग जल रही है, मेरे गुरु वहां कैसे बुझा देंगे? पानी डाल करके घर में आग लगी बुझा दोगे? मेरे भीतर ईर्ष्या की आग लगी है, मेरे गुरु उसे बुझाएंगे कैसे? रास्ता बताएंगे, बेटा ये रास्ता में चल लो। तो संत महात्मा का काम, माता पिता का काम, बड़े बुजुर्गों का काम, सज्जनों का काम रास्ता बताना है। लेकिन जिस किसी साधन से हमें भीतर की आग बुझाना होगा, और जितने भीतर की आग बुझ गई वही पुजारी, वही धार्मिक, वही भगत, वही सत्संगी, वही साधु, वही महात्मा, बाकी दिखावा। इस बात को हमें समझना होगा, काम हमें ही करना होगा। ये सत्संग में आए हो सिर्फ, या सत्संग में क्या मिल रहा है आपको? किस्सा कहानी की बात नहीं बताई जा रही है आपको। उसने अमुक को मार दिया, तो उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने आशीर्वाद दे दिया, ये बात नहीं है। इसके तो खंडन किया जा रहा है यहाँ सुबह शाम दोनों टाइम। जीवन का निर्माण कैसे करना है? हमारे जीवन के मालिक, हमारे जीवन के विधाता, हमारे हमारे कर्म और भाग्य के विधाता कोई ऊपर वाला नहीं है, हम स्वयं हैं। हर व्यक्ति अपने भाग्य का, कर्म का विधाता, सुख दुख का विधाता है। इसलिए स्वयं जागना होगा।
तो दमन द्वारा है उसे वेद में। वेद व्यास जी कहते हैं कि अपने मन को मार लेना, झुक जाना, सहनशील बन जाना, धैर्य रखना, अमृत के द्वार में प्रवेश करना है। यदि किसी ने आपको गाली दी तो करना क्या है? उन्होंने गाली दी और आपको भी गाली देने का मन हो गया, ठीक है, आप भी गाली दीजिए, लेकिन कब कैसे? जैसे किसी ने कहा चलो भाई आज बलिया चलना है, आप कहते हो भैया आज फुर्सत नहीं है मुझे, कल चलूंगा या परसों चलूंगा। किसी ने कहा चलो वहां सत्संग हो रहा है, कथा हो रही, चलो भैया जाना तो है, सही है, सत्संग में जाना जरूरी है, लेकिन अभी फुर्सत नहीं है, शाम के समय या कल जरूर चलूंगा सत्संग में। ऐसे ही जब किसी ने आपको गाली दी, कोई हो, घर वाले ने, बाहर वालों ने गाली दी, तो आप कहना भाई तुमने मुझे गाली दी है, मेरा भी मन गाली देने का, लेकिन अभी फुर्सत नहीं है, कल गाली देने के लिए आऊंगा। बस जब कहते हैं ना अमुक काम करने के लिए, अमुक काम करो, भाई अभी तो फुर्सत नहीं, भाई अभी तो ये काम कर रहा हूँ, कल काम देखूंगा। तो ऐसे ही कहना किसी को, तुमने गाली दी, मैं भी गाली दूंगा, लेकिन अभी फुर्सत नहीं है, कल दूंगा या परसों दूंगा, दो दिन बाद दूंगा आने के लिए, दे पाओगे क्या? यही रास्ता है बचने का। लेकिन हम सब काम के लिए बहाना कहेंगे अभी फुर्सत नहीं है, और झगड़ने के लिए हर समय आदमी समय है। कभी कहते हो तुमने मुझे गाली दी लेकिन मेरे पास फुर्सत नहीं है, तत्काल, तत्काल का काम, तत्काल, यही तो हमारी कमजोरी है। भक्ति भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, धर्म का काम भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, और गलत बात को तत्काल दे देते हैं, यही कमजोरी है। और यही कमजोरी हमारे दुख का कारण बनती है, यही कमजोरी हमारे जीवन को आग से भर देती है, जहर से भर देती है। अपनी इसी कमजोरी पर विजय प्राप्त करना, इसी के लिए सत्संग, भक्ति, पूजा पाठ की आवश्यकता होती है। जानते हर आदमी, जानता तो हर आदमी है, लेकिन कमजोरी क्या होती है? हम जानते हैं ज्ञान की बातें, ऐसा करना उचित है, लेकिन जानते हुए भी कर नहीं पाते। और कहते हैं गुरुजी आपने अच्छी बातें बताई, ये बात मैं जिंदगी भर याद रखूंगा, लेकिन भाई याद रखने के लिए नहीं बता रहे हैं गुरुजी, गुरुजी करने के लिए बता रहे हैं। याद तो है, करते हो या नहीं करते हो? एक चुटकुला याद आ गया। एक व्यक्ति ने 50-55 साल की उम्र, वो आप सबके लिए भी है, 50-55 साल की उम्र, अपने अपने बेटे को बुलाया, बेटी की उम्र भी 27-28 साल की हो गई थी, शादी नहीं हुई थी बेटे की। तो व्यक्ति ने अपने बेटे को बुलाया और कहा बेटा मैं तुम्हें अपने जीवन का अनुभव बताना चाहता हूँ, और यदि मेरे जीवन का अनुभव तुम याद रखोगे, मेरी बात मान लोगे, तो तुम जिंदगी में कभी दुखी नहीं होगे, जिंदगी में सदैव सुखी ही जीवन जियोगे। पिता की बात सुनकर बेटा कहता है पिताजी आपका जो अनुभव है वो तो मेरे लिए धरोहर है, बताएं कि आपका अनुभव क्या है। तो पिता कहता है बेटा शादी करके मैंने भयंकर गलती की थी, लेकिन शादी तो हो गई, निभाना तो पड़ा, शादी करके मैंने भयंकर गलती की थी। यदि तुम पूरी जिंदगी सुख से जीना चाहते हो तो कभी भूल कर भी शादी मत करना। एक पिता अपने बेटे कह रहा है कि शादी करके मैंने भयंकर गलती की, तुम जीवन भर सुखी रहना चाहते हो तो कभी भूल कर भी शादी मत करना। पिता की बात सुनकर बेटा कहता है पिताजी आपकी बात को मैं गांठ बांधता रखूंगा, सदैव याद रखूंगा, और अपने बेटे को ही बताऊंगा, बेटा तो सुखी रहता है, कभी शादी मत करना, समझ गए ना? ऐसे हम लोग गुरुजी की बात को बड़े याद रखते हैं, बहुत याद, गुरुजी आपकी बात हमें याद है, आपने ऐसा कहा था,
करते कितना है, कमजोरी यहां आती है हमारी। तो जो हम जानते हैं उतारना पड़ेगा। जानता कौन नहीं है, आप लोगों में से किसी को ही दे दो, इन ये देवियां बैठी है, आप लोग बैठे किसी दे दो, अपनी भाषा में हमसे अच्छी बातें आप बता सकते हैं। हम यहाँ बैठ गए, मन पर माइक सामने आ गया, बोल दिए, ये हमारी विशेषता नहीं है। हमारी विशेषता तो तब होगी जो हम आपको बता रहे हैं वो बात हमारी जीवन में आचरण में आए, नहीं तो ये केवल एक व्यवसाय है, बस धंधा है। तो सहनशील हो जाना, अमृत के द्वार में प्रवेश करना है, ये वेद व्यास की पहली बात है जो महाभारत उन्होंने कही। मैंने एक मंत्र कहा था ना, नाहम शब्द प्रतिसमामि किंचित दमन द्वारम हि अमृते वेद। ये पहली बात हो गई कि किसी की गाली को सुन करके क्षुब्ध दुखी मत हो, सहन कर लो, शांत रह जाओ, अमृत के द्वार में प्रवेश कर जाओगे। बड़ा सरल है अभ्यास करने से। अब दूसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, दो बातें हमने भजन में सुनी कि मैं बड़ा भाग्यवान हूँ क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। यही बात महर्षि वेदव्यास भी कहते हैं, गुह्यं ब्रह्म तदिदं ब्रवीमि न मानुषात् श्रेष्ठतरं हि किंचित। मैं एक गोपनीय बात बता रहा हूँ कि दुनिया में मनुष्य से बढ़कर, मनुष्य से बड़ा कोई नहीं है। ये वेद व्यास कहते हैं महाभारत में कि दुनिया में मनुष्य से बड़ा कोई नहीं है। क्यों आपने आप अपने को अभागा समझते हो, क्यों अपने को दुर्बल समझते हो, क्यों अपने को कमजोर समझ रहे हो? आप में महान बल है, अपने बल को समझें, पहचाने, उठें, जागें, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्तरानि बोधत। ऋषियों ने कहा उठो जागो, और श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाकर के सही रास्ता मालूम करो, सही ज्ञान प्राप्त करो, उस रास्ते पर चलो, तब होगा। और मनुष्य चलता फिरता भगवान, मैंने कहा था सुबह कबीर साहब की पंक्ति, आंख न मूंदो, कान न रूंदो, काया कष्ट न धारो, खुले नैन हजत पहचानो, सुंदर रूप निहारो। इस मनुष्य से बड़ा भगवान आपको कहां मिलेगा, प्रत्यक्ष भगवान। एक सूफी संत ने बहुत बढ़िया बात कही है, ऐसा लगता है मानो कबीर साहब ही कह रहे हैं। उच्चारण में थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है मेरी, लेकिन मूल बात पर ध्यान देना। सूफी संत क्या कहते हैं, मखलूक ही मजहरे खालिक है और इंसान अशरफ उल मखलूकात है। मखलूक ही मजहरे खालिक, मखलूक प्राणी, प्राणी ही दुनिया में प्रत्यक्ष परमात्मा है, प्रत्यक्ष खुदा है, लेकिन इंसान अशरफ उल मखलूकात है। इंसान प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है, दुनिया में ये प्राणी प्रत्यक्ष परमात्मा खालिक है, मखलूक ही मजहरे खालिक है, और इंसान प्राणियों में श्रेष्ठ होने से सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है। आपको परमात्मा का ही बाहर से पाना नहीं है, बाहर का परमात्मा उधारी का परमात्मा होगा, मिलेगा छूट जाएगा। अपने परमात्मापन को स्वयं समझिए, घूंघट का पट खोल रहे तो को मिलेंगे, कबीर साहब कहते हैं। ये घूंघट का पट क्या है, अविद्या, अहंकार, राग द्वेष, मोह माया, ये तमाम जो कर्मकांड का जाल है ये सब घूंघट का पट है। कर्मकांड की आवश्यकता होती है थोड़ी बहुत, जो बिल्कुल सामान्य बुद्धि के लोग हैं जो बहुत नहीं समझते
उनके लिए कर्मकांड की आवश्यकता, चलो कुछ न कुछ तो कर रहा है, कम आने कबूतर बच्चे को समझाया जाता है, उसी बहाने से बच्चा पढ़ना जानता है। लेकिन बच्चे को बच्चा कब तक बनाए रखोगे, आप कब स्वयं बच्चा कब तक बने रखोगे? तो धर्म के मार्ग में लगने के लिए कुछ कर्मकांड की आवश्यकता होती है शुरुआत में, लेकिन कब तक बच्चा बने रहोगे, कर्मकांड में उलझे रहोगे, खिलौना उलझे रहोगे? अब उम्र बढ़ गई, सब कुछ जान लिए, तो ऊपर उठना पड़ेगा ना। तो घूंघट का पट खोल रहे तो कोपी मिलेंगे। वो घूंघट, ये बाहरी आडंबर, ये बाहरी दिखावा, घूंघट हमारे मन का मुंह, हमारे मन का ज्ञान और हमारे मन का अहंकार। बाहर भी घूंघट है और बाहर भी घूंघट है। महिलाएं साड़ी पल्लू से चेहरे को ढक लेती, घूंघट है। ये तो प्रतीक है कबीर साहब का। भीतर का घूंघट मैंने कहा, स्वार्थ अहंकार अज्ञान, इनको दूर करना होगा। और बाहर का घूंघट धर्म के नाम पर तमाम प्रकार के जो उलझनपूर्ण बातें हैं, जो हमें सच्चे धर्म से भटका देने वाले हैं। इस सब का त्याग करना होगा। शुरुआत में आप करते हो करो, लेकिन कब तक करते रहोगे? सही ज्ञान को समझो, और सही ज्ञान को समझते समझते ऊपर उड़ जाएंगे। सही ज्ञान का अर्थ क्या होता है? जिस ज्ञान में कोई भ्रम नहीं होता, चमत्कार नहीं होता, अंधविश्वास नहीं होता, उस भ्रम से उठना होगा। ये आज का जमाना पढ़ाई लिखाई का जमाना, कहाँ से कहाँ शिक्षा पढ़ गए, विज्ञान कहाँ से कहाँ पहुँच गया, वैज्ञानिक चंद्रमा पहुँच गया, मंगल पहुँच गया, शनि ग्रह, पता नहीं क्या क्या, कितने सेटेलाइट भेज रहे हैं हमारे वैज्ञानिक। और हम वैज्ञानिकों की जो देन है, ये मोबाइल आज सब प्रयोग कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई बढ़ गई, लेकिन दिमाग कहाँ घूम रहा है? आज से हजार साल पहले बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े वकील हैं, बड़े नेता हैं, बड़े अफसर हैं, अब पता नहीं कौन कौन बड़े बड़े हैं, भूत प्रेत के चक्कर में पड़े हुए हैं। भूत प्रेत नाम की कोई चीज ही नहीं होती। हम तो आपके गांव में पहली बार आए हैं, आपके गांव में आसपास में जितना भी कहीं भूत प्रेत होते हो तो हमें कह दो, हम वो हमारे पास भेज दो, जाएंगे प्रयागराज संगम में, सबको ठंडा कर देंगे। भूत प्रेत होता कुछ नहीं है। लोग कहते हैं महाराज भूत प्रेत कैसे नहीं होते, हमने भूत देखा है, साक्षात भूत देखा है। कैसा देखा है भाई साक्षात भूत? अरे महाराज भूत साक्षात देखा, धुआं निकल रहा था बहुत तेजी से भूत के मुख से, दिन के दिन से मुख से धुआं निकले, समझना वही भूत है, वहां पर बैठना मत, उसके पास मत जाना। इसलिए मुंह से धुआं मत निकल, धुआं निकाल कर भूत मत बनना भाई, नहीं तो तुम्हें भी भूत बना देगा वो। भूत प्रेत जादू टोना मंत्र तंत्र ग्रह लगन दिशा स्थूल, ये सब केवल बकवास है। कौन कहता है, कहाँ लिखा है, कितने गुरु कहते हैं, कहने दो। कितने कितने आप भ्रम में जी रहे हो, रास्ता में जा रहे हो, बिल्ली इधर से उधर निकल गई, 6 फीट का आदमी ये और 1 फीट की बिल्ली, बस डर गए, बिल्ली बड़ी हो गई और आप छोटे हो गए, खाली घड़ा देख लिए, किसी ने छींक दिया, किसी ने टोक दिया, कहाँ जाते हो, काम बिगड़ जाएगा। इतना दिमाग कमजोर है, कैसे ऊपर उठोगे? कुछ नहीं होने वाला है, केवल आपके मन की कमजोरी ही है। सब बचपन में आपको बता दिया गया है, इसलिए अपने बच्चों के बताओ मत। जिस दिन जो काम करना है करो, ग्रह लगन देखने की कोई आवश्यकता है, हर दिन लगन है। कभी कहते हो पंडित जी मुझे झगड़ा करना है, थोड़ा देखो तो लगन किसके समय है, कौन समय मुहूर्त है झगड़ा करने के लिए, कभी पूछती हो क्या? पंडित जी झूठ बोलना है, थोड़ा देखो तो किस समय झूठ बोलने से काम बढ़िया बनेगा, पूछते इसके लिए? झगड़ा करने के लिए, गाली देने के लिए, मारपीट करने के लिए, कला कल्पना करने के लिए,
झूठ बोलने के लिए, घूस लेने के लिए, मिलावटबाजी करने का हर समय मुहूर्त, हर समय लगन। कितना भटका हुआ है आदमी, आज का पढ़ा लिखा आदमी कैसे गए भटक, ग्रह आकाश में तैर रहे हैं करोड़ों किलोमीटर दूर, अंगूठी बांध करके ग्रह को यहाँ से सीधा कर रहे हैं। इतनी व्यकल नहीं है लोगों की। ग्रह कभी टेढ़ा नहीं होता, याद रखो। ग्रह वो है आपके मन का जो लोभ मोह है, वो ग्रह है जिसने आपको और हमें पकड़ रखा है। ये मन के ग्रह को दूर करो, बाकी सब ग्रह ठीक हो जाएंगे। जिस दिन जहाँ जाना हो जाओ। मंगल बुध उत्तर दिशिकाला ये कहा गया है। मंगल और बुध को उत्तर जाओगे तो काल हो जाएगा, मतलब भारत के दक्षिण में कन्याकुमारी है, उत्तर में दिल्ली है। कन्याकुमारी से मंगल और बुध को जो ट्रेन छूटती, सब का एक्सीडेंट हो जाता है, सब लोग मर जाते हैं। ऐसा होता है क्या? बीफे दक्षिण करे पयाना, फिर ने समझो ताको आना, मतलब जो गुरुवार को दक्षिण जाएगा समझ लो लौट कर घर नहीं आएगा। सरकार को कहो दिल्ली से मद्रास के लिए, नागपुर के लिए, कन्याकुमारी के लिए ट्रेन बस सब बंद कर दिया करे। कितना दिमाग कमजोर है आपका, पढ़े लिखे हो, आज के जमाने में जी रहे हो, ये दिमाग रख करके करोगे काम, ये दिमाग रख करके सुखी से सुखी जीवन जी सको, आगे बढ़ोगे। समझो अपनी शक्ति को, विवेक का प्रयोग करो। तो ग्रह लगन जादू टोना मंत्र तंत्र सकुन अपसकुन दिशाशूल अंधविश्वास, ये सब केवल मन को कमजोर करने वाले हैं। ये सब बकवास है। जितना पढ़ोगे उतना कमजोर होगे और ठगाओ जाओगे। कोई ज्योतिषी आपके हाथ को देख करके आपका भाग्य नहीं बता सकता। हाथ मत दिखाओ, हाथ से काम करो। किसी तांत्रिक पास जाकर पूजा कराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें संकट है और तुम किसी के पास गए पूजा करवाने के लिए, बैगा के पास गए, ओझा के पास गए, झाड़ फूक करने वाले के पास गए, ज्योतिषी के पास गए, तांत्रिक पास गए, किसी पुजारी के पास गए, किसी साधु बाबा के पास गए, महाराज जी ये संकट है, कहेंगे तुम्हारा ये पूजा करवा लो, वो पूजा करवा लो। तुमने पूजा करवा लिया, हजार दो हजार दक्षिणा मिल गई, तुम्हारा संकट दूर हो या न दूर हो, पूजा करने में संकट तो दूर हो ही गया क्योंकि दक्षिणा मिल गई उसको। इतने भ्रम में पड़े, इतने भ्रम में पड़े हुए हो कि क्या कहा जाए। जागो, समझो। कबीर साहब का काम जगाना है। तो बात में ये कह रहा था, गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि न मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। ये वेद व्यास कथन है महाभारत में कि दुनिया में मनुष्य से बढ़कर के कोई नहीं है। आप अपने खुदा हैं। जब तक बंधनों में पड़े हुए हैं, विकारों से विकारों में डूबे हुए हैं, तब तक बंदा हैं। और विकारों का त्याग कर दिए, आप अपने लिए खुदा हैं। जब तक लोग मुंह में पड़े हुए हैं, दिन दरिद्र हैं, ऊपर उठ गए तो आप ईश्वर हैं। भागवत पुराण का एक मंत्र कहूंगा और अपनी बात समाप्त करूंगा। भागवत पुराण में कहा गया है, दरिद्रो यश संतुष्टा, कृपणो यो अजितेंद्रिय, गुणेश शक्त धीरीशो, गुण संगो विपर्यया। दरिद्र कौन? जो असंतुष्ट है। ईश्वर कौन? गुणेश शक्त धीरीशो, जो कहीं लोभ मोह नहीं करता, जिसके मन में कोई आदत नहीं, आसक्ति नहीं, कोई कामना नहीं, सबसे ऊपर निष्काम निर्मोह निर्लोभ है वो ईश्वर। वो ईश्वर हर आदमी बन सकता है। इसी के लिए हमें धर्म की आवश्यकता होती है, इसी के लिए साधु संगति की आवश्यकता होती है। जागो और जाग करके सन्मार्ग में लग करके आज इसी जीवन में पूरा का पूरा अपने आप को, मन का जो दुख है, मन की जो पीड़ा है, इससे बचा सकते हो। धर्म का, भक्ति का, पूजा सत्संग का काम है मन की पीड़ा से मुक्त होकर के पूरी शांति संतोष प्रसन्नता से जीवन जीना।
इसी में अब यही जीवन की सार्थकता होगी। दो दिनों का सत्संग कार्यक्रम, दोनों समय के सत्र में आप लोग आए और धैर्यपूर्वक बैठ करके ये बातें, ऐसी बातें हुई है, ये बातें जो आज बताई गई है आज और कल, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पहली बार सुनने को मिली होगी ऐसी बात। कथक कीर्तन बहुत सुना होगा, पुराण ध्यान बहुत सुना होगा, लेकिन ये बात आप पहली बार सुने होंगे और लगा होगा बाबा लोग कैसी बातें कह रहे हैं। लेकिन विचारो जरा, जो बातें बताई गई है वो बातें सच है या नहीं है। सच लगे तो मानना, नहीं तो छोड़ देना बस जहाँ के तहाँ। लेकिन विवेक पूर्वक मानो, और विवेक पूर्वक जब मानकर चलोगे तभी दुख से मुक्त हो जाओगे। हमारी ओर से, संत समाज की ओर से यही शुभकामनाएँ हैं कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करके, सही रास्ते पर चल करके, अपने स्वभाव सुधार करके, इसी जीवन में परम शांति, परम आनंद, परम सुख का अनुभव करें और अपने मानव जीवन जो पाए हैं इस जीवन को सार्थक करें। इन्हीं यही बार बार शुभकामनाएं हैं। पुनः पुनः धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम।